हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल पेट्रोल इंडिया में। आज मैं आपके लेके आऊँ बजाज एवेंजर 160 स्ट्रीट। ये BS6 मॉडल है, तो उसकी हम बात करेंगे आज। हम स्टार्ट करते हैं गाड़ी के स्टाइलिंग से। स्टाइलिंग की बात करो तो काफ़ी सिंपल और सोफिस्टिकेटेड डिज़ाइन है, उसको सालों से उन्होंने वैसे ही रखा, उसमें कोई चेंजेस नहीं किए। सेम यहाँ पे जाता है BS6 के लिए भी। आप ये पहचान नहीं पाओगे कि ये BS6 है या BS4 मॉडल है ना। इस पर कोई फन की स्टिकर्स है ना कोई इस पे बैजिक है, सो पहचानना बहुत मुश्किल हो जाएगा। गाड़ी के फ्रंट में हमको एक छोटा सा विंडस्क्रीन मिलता है हेडलाइट के ऊपर। हेडलाइट जो है वो इसमें आपको हैलोजन लैंप मिलता है और साथ में LED DRS मिलते हैं। इंडिकेटर्स तो वही पुराने उन्होंने रखे, उसमें कोई चेंजेस उन्होंने नहीं किया। हेडलाइट भी सेम है। एवेंजर 160 स्ट्रीट रेड कलर में ज़्यादा अच्छी दिखती है, उसका रीज़न है ड्यूअल टोन। आप यहाँ पे देख सकते हो कि गाड़ी के जो बाकी पार्ट्स है, जैसे टैंक हो गया, साइड पैनल हो गया, वो रेड कलर में, बट यहाँ पे मडगार्ड आपको जो है ब्लैक कलर में मिलता है। साथ में सस्पेंशन के ऊपर जो रबर है वो ब्लैक है, और नीचे जब आते हो तो टेलीस्कोपिंग सस्पेंशन भी इसका ब्लैक कलर में है। सो ये दोनों का कॉम्बिनेशन मिलकर बहुत प्यारी गाड़ी दिखती है। फ्रंट में जैसे स्टाइलिंग आपको दिख रही है, वैसी स्टाइलिंग बजाज ने पीछे तक लाई है। आप यहाँ पे सस्पेंशन देख सकते हो ब्लैक कलर में। देन यहाँ पे आपको ग्रैब हैंडल मिल रहा है, वो रबर का है और ब्लैक कलर का है, होल्ड करने में काफ़ी अच्छा है। यहाँ पे आपको सिल्वर गार्निश मिलता है जो गाड़ी के लुक को एनहांस करता है और थोड़ा सा प्रीमियम लुक इसको देता है। इस बाइक में रियर एंड में भी कोई चेंजेस नहीं है, सेम BS4 की तरह इसका रियर एंड है। एक्चुअली आई वॉज एक्सपेक्टिंग कि ये शायद इसमें LED टेल लैम्प दे, बट इन्होंने वही पुराना हैलोजन टेल लैम्प रखा है। और यहाँ पे आप छोटा सा बैजिंग देख सकते हैं BS6 का। गाड़ी राइट साइड से ज़्यादा अच्छी दिखती है, उसका रीज़न है यहाँ पे जो उन्होंने फिनिश यूज़ किया उसकी वजह से। यहाँ पे आपको सिल्वर फिनिश ज़्यादा दिखेगा कंपेयर टू लेफ्ट साइड। आप यहाँ पे साइलेंसर देख सकते हो, साइलेंसर पूरी तरह से ब्लैक है, बट उस पर उन्होंने सिल्वर फिनिश का हीट शील्ड यूज़ किया है। देन थोड़ा पीछे देखोगे तो ऊपर में आपको वहाँ पे हिल गार्ड दिखेगा, सो ये भी उन्होंने सिल्वर में रखा है। इसका टेल पाइप है वो भी उन्होंने सिल्वर का दिया है। और थोड़ा सा आगे देखते हो तो ब्रेक जहाँ पे है उसके पास भी उन्होंने सिल्वर फिनिश यूज़ किया है। आपको यहाँ पे स्पीडोमीटर में भी कोई चेंजेस नहीं दिखेंगे। सेम BS4 में जैसा स्पीडोमीटर था वैसा सेम इसमें आया है। यहाँ पे आपको छोटा सा डिजिटल ऑडोमीटर मिल जाएगा इसमें। ये काफ़ी सिंपल है और इजी टू रीड है। बाकी आप देखोगे तो यहाँ पे जो स्विच की क्वालिटी यूज़ हुई है वो बेहतरीन है। बजाज हमेशा अच्छी क्वालिटी के स्विचेस अपने बाइक पे यूज़ करता है। यहाँ पे जो ग्रिप है वो भी काफ़ी अच्छी है, काफ़ी सॉफ्ट है होल्ड करने के लिए। टैंक पे देखोगे तो आपको यहाँ पे छोटा सा फ्यूल गेज मिल जाएगा जो आपको फ्यूल की लेवल बताएगा। देन साइड में लाइट्स आपको मिल जाएंगे और एक ब्लैक फिनिश ऊपर दिया है टैंक के उन्होंने। अगर BS6 ने कोई चीज़ को अफेक्ट किया है तो वो है इंजन। हमको इसमें जो इंजन मिल रहा है वो मिल रहा है ट्विन स्पार्क 2-वॉल्व DTSI एयर कूल्ड इंजन। ये 160cc का इंजन है और ये पावर जनरेट करता है 15 PS एट 8500 RPM। और इसमें टॉर्क मैक्सिमम को जो मिलता है वो मिलता है 13.5 Nm का 7000 RPM पे। तो फिगर्स काफ़ी अच्छे हैं। यहाँ पे हमको मेजर चेंज दिखता है वो है यहाँ पे कार्बोरेटर का। अब यहाँ पे कार्बोरेटर आपको नहीं मिलता, यहाँ आपको मिलता है फ्यूल इंजेक्टर्स। सो गाड़ी इससे काफ़ी स्मूथ हो जाती है। और इसमें जो गियर शिफ्ट पैटर्न है वो है 1-down 4-up का। गियर शिफ्ट भी काफ़ी स्मूथ है, काफ़ी ईजिली गाड़ी के गियर जो स्लॉट हो जाते हैं। यहाँ पे हमको टोन हिल शिफ्टर हमको मिलता है जो गियर शिफ्टिंग में काफ़ी हेल्प आपको करता है, क्योंकि क्रूजर बाइक है तो आपका सीटिंग पोस्चर अलग होता है। सो लॉन्ग टूर पर आप जाते हो तो ये काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। BS6 की वजह से फ्यूल इंजेक्टर के साथ और जो कुछ चेंजेस किए गए उसमें एडिशन है ECU का। आपको इसमें अब ECU मिलता है जो इंजन को मैपिंग करता है, साथ में छोटी मोटी चीज़ों का हैंडल करता है। देन यहाँ पे आपको एग्जॉस्ट पाइप पे कैटलेटिक कन्वर्टर दिखता है जो गाड़ी को ग्रीनर बाइक बनाता है, और इससे जो एमिशंस है वो काफ़ी लेवल तक कम हो जाते हैं। बट इससे इस गाड़ी का साउंड चेंज हुआ है। जब हम टेस्ट ड्राइव करेंगे गाड़ी की तब मैं आपको इसका एग्जॉस्ट सुना दूंगा। एवेंजर एक क्रूजर बाइक है तो उसके हिसाब से हमको जो इसमें फ्यूल टैंक मिलता है वो मिलता है 13 लीटर का, और आप इससे माइलेज एक्सपेक्ट कर सकते हैं अराउंड 45-55। तो ओवरऑल जो रेंज हमको मिलती है वो अराउंड 600-700 किलोमीटर की इसमें हमको आराम से मिल जाती है। सो अगर लॉन्ग टूर्स पे आपको जाना है तो ये बेहतरीन बाइक रहेगी। किसी बाइक को क्रूजर बाइक बोलने के लिए सिर्फ उसका माइलेज और वो कितना डिस्टेंस कवर कर सकती है फुल टाइम में वो मायने रखता, उसका कंफर्ट। तो बजाज ने उस चीज़ का ध्यान रखा है और यहाँ पे आपको बहुत अच्छी क्वालिटी की सीट प्रोवाइड बजाज करता है। ये काफ़ी अच्छी सीट है, काफ़ी फर्म है, और जहाँ पे सॉफ्ट होनी चाहिए वहाँ पे सॉफ्ट सीट है। आप इसे दिन भर आराम से ट्रैवल कर सकते हो विदाउट थके। अगर आप मार्केट में देखोगे तो दूसरी कोई बाइक इस बजट में इतना अच्छा सीट कंफर्ट प्रोवाइड नहीं करती है। इस बाइक के पावर फिगर को कंसिडर करते हुए इस गाड़ी में ब्रेक जो है वो भी अच्छे क्वालिटी के चाहिए थे, तो बजाज ने उस चीज़ का काफ़ी अच्छे से ध्यान रखा है। और फ्रंट में हमको 260mm के सिंगल चैनल ABS वाले डिस्क ब्रेक दिए जो बेहतरीन ब्रेकिंग पावर देते हैं, और पीछे में हमको 130mm के ड्रम ब्रेक्स मिलते हैं, तो दोनों मिलके गाड़ी को एक अच्छी स्टॉपिंग पावर दे देते हैं। यहाँ पे आपको जो डिस्क दिख रही है वो ABS की नहीं है, दैट इज़ फॉर RLP मतलब रियर लिफ्ट ऑफ प्रोटेक्शन के लिए।
इस बाइक में हमको दोनों व्हील जो है वो ऑलॉय व्हील मिलते हैं। फ्रंट में उसका साइज है 17 इंच का विद टायर साइज ऑफ 90x90 सेक्शन, और पीछे में ये 15 इंच के ऑलॉय व्हील मिलते हैं और टायर साइज है 130x90। तो दोनों में जो ग्रिप प्रोवाइड होती है वो बेहतरीन है और आपको इससे हैंडलिंग और ब्रेकिंग दोनों में हेल्प होती है। बजाज ने एवेंजर 160 स्ट्रीट को दो कलर्स में लॉन्च किया है, एक रेड कलर विथ ब्लैक फिनिशेस और दूसरा जो है प्योर ब्लैक। दोनों कलर बेहतरीन है, आप दोनों में से कोई भी कलर ले सकते हो। इस बाइक का नागपुर में ऑन रोड प्राइस है 1,11,000 रुपये, जो काफ़ी रिजनेबल है कंसिडरिंग टेक्नोलॉजी, परफॉर्मेंस, माइलेज और कम्फर्ट जो हमको इसमें मिलता है। तो दोस्तों ये था मेरा आज का वीडियो। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।